दोस्तों, टेक्निकल कुलमीत चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपलोड तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, मैं कुलदीप, आप देख रहे हैं टेक्निकल कुलमीत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना फ़ोटो गूगल ड्राइव में सेव रख सकते हैं। दोस्तों, आपने अगर अक्सर सुना होगा कि जब भी हम लोग फ़ोटो अपलोड करते हैं गूगल ड्राइव में, तो उसमें वाईफाई कनेक्ट करने के लिए बोलता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपना फ़ोटो बिना वाईफाई का ही गूगल ड्राइव में ही फ़ोटो को सेव रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपना फ़ोटो लाइफ टाइम के लिए देखना हो, तो इसमें सबसे अच्छा ऐप है जिसमें आप अपना फ़ोटो अपलोड करके हमेशा के लिए सिक्योर रख सकते हैं। दोस्तों, पहली बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड कभी किसी को ना बताना, और अपना ईमेल आईडी किसी और फ़ोन में कभी लॉगिन मत करना, क्योंकि आपका जो ईमेल आईडी है उसमें आपका फ़ोटो सेव होता है। अगर उस मोबाइल में आप अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर देंगे तो आपका फ़ोटो भी उसमें शो करेगा। तो आप हमेशा बात ध्यान में रखें कि आप अपना ईमेल आईडी किसी और मोबाइल में लॉगिन ना करें। तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं टाइम और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने गैलरी में जाना है और गैलरी में से कोई भी फ़ोटो चूज कर लेंगे और उसको सेंड पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको सेव टू ड्राइव पे क्लिक करना है। अब देख रहे होंगे दो फ़ोटो आ गया, अब आपको सेव पे दबा देना है। अब ऊपर स्वाइप करेंगे और देखिए वाईफाई मांग रहा है आपसे। अब आपको क्या करना है, सीधे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फ़ोटो अपने आप ऑटोमेटिकली लोड होने लगेगा मोबाइल डाटा से, आपको वाईफाई कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गूगल ड्राइव से ही चाहते हैं फ़ोटो अपलोड करना, तो यह प्लस, नीचे प्लस का निशान है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे, फिर आपको फ़ोटो दिख रहा है। आपको कोई भी फ़ोटो लेके एक फ़ोटो और यहाँ पे अपलोड कर देंगे, देखिए फ़ोटो अपलोड होने स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप अपना फ़ोटो गूगल ड्राइव में सेव रख सकते हैं अपने मोबाइल डाटा से ही, किसी की भी वाईफाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और दोस्तों, आप अपना वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं इसमें। अगर आपको वीडियो अपलोड करना सिखा रहा हूँ, ये देखिए, अगर आपको वीडियो अपलोड करना हो, देख रहे होंगे यहाँ पे, बस आपको क्लिक करना है और वीडियो अपने आप अपलोड होने लगेगा। थोड़ा टाइम ले रहा है, नेट स्लो है। दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे ही आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको फोल्डर बना के, अपना फोल्डर पर्सनली फोल्डर बना के उसमें सेव करना हो, तो उसका भी कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फोल्डर बनाना है, कुछ भी लिख सकते हैं, हाई लिख के फोल्डर बना सकते हैं। ये देखिए फोल्डर बन गया है। अब इसमें आपको फ़ोटो अपलोड करना हो, तो आप फोटो में अपलोड में जाएंगे, अपलोड में जाके कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए। अब इसमें आ गया, अब ये फ़ोटो आपके हाई वाले फोल्डर में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।